गार्लिक प्रेस विद क्लीनिंग। गार्लिक प्रेस का इस्तेमाल लहसुन को प्रेस करके उसकी छोटी छोटी पीसेस करने के लिए किया जाता है। इस टूल में आपको एक क्लीनिंग किट भी मिलती है, जिसकी वजह से इसे इस्तेमाल करने के बाद अच्छी तरीके से साफ करने में भी बहुत ही आसानी होती है। इस टूल के ऊपर वाले हैंडल में एक कंप्रेसर टाइप गोल आकार वाला मेटल लगाया जाता है, और जब आप इस टूल की हैंडल को प्रेस करते हैं तो ये कंप्रेसर गार्लिक को प्रेस करता है और टूल के आगे लगे छोटे छोटे छेदों में से गार्लिक की छोटी छोटी पीसेस बाहर निकलती हैं। लेक्यू माइक्रोवेव ग्रिल फॉर टोस्टेड सैंडविच। लेक्यू की माइक्रोवेव ग्रिल का इस्तेमाल टोस्टेड ग्रिल सैंडविच बनाने के लिए किया जाता है। इसे इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान होता है। आपको सिंपली इस ग्रिल को माइक्रोवेव में 3 मिनट तक गर्म करना होता है और उसके बाद टोस्टी मेकर पर सैंडविच को रखकर उसे दोबारा माइक्रोवेव में डाल देना है, और मात्र 3 मिनट में आपकी ग्रिल सैंडविच बनकर तैयार हो जाती है। इस गैजेट का इस्तेमाल अगर आप ऑफिस जाने वाले व्यक्ति हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी सैंडविच को काफी तेजी से बनाकर तैयार कर देता है। इससे आपका टाइम भी बचता है और आपको क्वालिटी सैंडविच भी मिल जाती है। शेफ्स टॉर्च ग्रैंड शेफ एक एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस गैजेट है। इसका इस्तेमाल पेस्ट्रीज की फ्लेम बीइंग के लिए किया जाता है, मगर आप इसका इस्तेमाल सब्जियों को भूनने के लिए भी कर सकते हैं। और इस टॉर्च टाइप गैजेट को हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील और रेजिस्टेंट प्लास्टिक से बनाया गया है, और इसके हैंडल को एल्युमिनियम की पॉलिश दी गई है। इसका इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान होता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको सिर्फ टॉर्च में नीचे दिए गए बटन को प्रेस करना है और टॉर्च से निकल रही फ्लेम को जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करना है, और बाकी का काम तो ये टॉर्च खुद ब खुद कर देती है। ऑक्सो गुड स्पायरलाइजर। ऑक्सो गुड स्पायरलाइजर का इस्तेमाल कर्ली नूडल्स, कुकुम्बर, स्वीट पोटैटोस जैसी सब्जियों को काटने के लिए किया जाता है। ज्यादातर लोग इसका इस्तेमाल फ्रूट सैलेड, सैलेड या फिर डेजर्ट बनाने के लिए करते हैं। और आपको बता दें कि ये एक इजी टू यूज गैजेट है, जिसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। इसके ऊपर वाले हिस्से में एक कटर लगा होता है, जिसमें जो सब्जी काटनी है उसे फिट किया जाता है, और फिट करने के बाद उसे गोल गोल घुमाया जाता है, और फिर ढक्कन के निचले हिस्से से सब्जी या फिर फल कट के बाहर निकल जाते हैं। इसके साथ साथ आपको एक प्लास्टिक रोटेटर भी मिलता है, जिसको सब्जी या फ्रूट के पीछे लगाया जाता है, और इस रोटेटर की मदद से सब्जी या फल को घुमाने में बहुत ही आसानी होती है और काम भी काफी तेजी से होता है। स्टैशर बैग एक नॉन प्लास्टिक बैग होता है, जिसका इस्तेमाल खाने को स्टोर करने के लिए किया जाता है। स्टैशर बैग को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसमें रखा हुआ खाना सभी प्रकार के बैक्टीरिया और इम्प्यूरिटीज से सेफ रहता है। इस बैग में पंच लॉक सील फीचर भी दिया गया है, जिसकी वजह से खाने के अंदर के न्यूट्रिशंस और फ्लेवर्स महफूज रहते हैं। और आपको बता दें कि इस बैग को आप माइक्रोवेव में भी रख सकते हैं, क्योंकि इसका मटेरियल माइक्रोवेव सेफ मटेरियल होता है और ये बिल्कुल भी जलता नहीं है। वाकई में काफी कमाल का इन्वेंशन है, क्योंकि इस बैग के इस्तेमाल से प्लास्टिक का इस्तेमाल कम हो जाता है और हमारा एनवायरमेंट भी सेफ हो जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।